तारीख है 16 मई 2022, समय हो गया 09:20 PM। ये है JSR वर्ल्ड्स फोरम। अतीकुर रहमान साहब, अमीश देवगन न्यूज एंकर हैं और न्यूज चैनल है न्यूज 18 इंडिया, उसमें आप बहुत जोश और खरोश से अपनी बात रख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आपने जो भी बात कही कि मतलब अगर शरीयत चालू नहीं होगा तो क्या हिंदू तो रह लेगा। अच्छा, आपने एक सवाल पूछा मेरे से, हालांकि आपको अंदाजा तो था कि मामला क्या चल रहा है, तो उसी बात को लेकर आपने एक सवाल पूछा मेरे से कि हितेश जी आपसे हितेश बोला या हितेश जी बोला, वो आप समझो। आपसे मैं एक सवाल पूछता हूँ कि सऊदी में क्या हो रहा है और पाकिस्तान में क्या हो रहा है, उससे भारत के मुसलमानों को क्या लेना देना। एक बार ठीक है, मैं आपसे पूछता हूँ, आप अतीकुर रहमान, ठीक है, आपको इतनी मार मारेंगे ना मुसलमान, आप सोच नहीं सकते। आप पूछोगे ऐसा कैसे, डिबेट से निकाल के मारेंगे। कुरान में साफ वर्णित है, चाहे चोर हो चाहे आतंकवादी हो, मैंने पढ़ी है सर कुरान, मेरे से ये मत कह देना। इस्लामिक कल्चरल सेंटर है ना, आप वहां जाके एक बार मेरा नाम पूछ लेना, आराम से मेरा नाम नंबर मोबाइल नंबर पूछ लेना, बता देंगे हितेश कौन है। ठीक है, कुरान में साफ कहा गया है, चाहे चोर हो, उचक्का हो, आतंकवादी हो, शब्द कुछ और हो सकते हैं पर मतलब यही है। उसको पहले मुसलमान समझो, मुसलमान मुसलमान, भाई भाई। कुरान में साफ लिखा गया है, पहली बात तो ये, वरना जाकिर हुसैन से पूछ लो जो हितेश कह रहा है। जाकिर हुसैन जी भी मेरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, मेरी वजह से उनको इस देश से बाहर उठा के फेंक दिया गया था कि पहले हितेश के सवालों के जवाब दे, नहीं देगा तो इस देश में नहीं घुसने दूंगा। यही हो रहा और कुछ नहीं हो रहा, जिसने मेरे सवालों के जवाब नहीं दिए तय समय हाँ टाइम लिमिट के अंदर उठा करके इस देश से बाहर फेंक दिया जाता है। बिल्कुल, वरना डिफीट लिखो तुम, या डिफीट लिखो आप। अब आप बोलूंगा तो आम आदमी पार्टी होता है, इसलिए तुम ही ठीक है। फिलहाल तो यहां आपसे ज्यादा इज्जत तुम में नजर आती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने जो है खालिस्तानियों से चंदा लेके, एक मिनट, इस देश में राजनीति का तो वैसे ही सत्यानाश कर दिया। चलिए, ये एक टेक्स्ट है, इसको साइड में लिख लो, ये भी आगा किसी दिन डिबेट पे। तो आप ये तो कह ही नहीं सकते कि भारत सऊदी में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, भारत में क्या हो रहा है, इससे भारत के मुसलमानों को क्या लेना देना। साहब, कुरान में पहले मुसलमान का मुसलमान से आपस में रिश्ता तो पढ़ लो। इसी कारण से कुरान की इसी आयत का हवाला देते हुए हाफिज सईद को पाकिस्तान ने पनाह दी, और ISIS जमातु दावा, साफ लिखा है कुरान में सर, जमातु दावा लश्करे तैयबा अल सबब अल अंसार अल वहाब जैसे आतंकवादी संगठन के आतंकियों को, ये आतंकी बाद में पहले अपना भाई मानते हैं, जिन्होंने सैकड़ों हजारों लाखों लोगों की जिंदगियां ले ली बम धमाकों में। स
समझ में आई? रह गई बात आपके द्वारा ये बात कहा जाना, कि भारत के मुसलमानों को क्या लेना देना, तो इस बात से यह प्रतीत होता है कि आप भारत में भारत के मुसलमानों के पैरोकार हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मेरी बात का आप, जब मैं आपको आपकी बात का जवाब दे रहा हूं और आपने मुझे समय तय सीमा में जवाब नहीं दिया जिस प्रकार से मैं जवाब दे रहा हूं, तो आपको देश से बाहर निकाल के फेंक दिया जाएगा। आपको पता नहीं है ये भारत है? भारत जाकिर नायक आज तक इस देश में नहीं घुस पाया। कुछ समय के लिए आया, आईबी वाले लाए, पूछताछ करा और फिर छोड़ा है। चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो, चाहे आजम खान हो, चाहे मीडिया में आके बहस करने वाला कोई भी मुसलमान हो, मेरी बात का अगर जवाब नहीं दिया तो इस देश से बाहर उठा के फेंक देते हैं। आपको यही तो नहीं पता अभी इस देश के अंदर क्या चलता है? डिबेट में जवाब देना होता है। अगर संबित पात्रा भले किसी पॉलिटिकल पार्टी का हो, अगर मुसलमानों के द्वारा पूछे जाने वाले सवाल के लिए डिबेट में आना बंद कर देगा तो उसको भी उठा के इस देश से बाहर फेंक देंगे। डिबेट में आने से पहले, सोशल मीडिया हो चाहे मीडिया में, एक भी वीडियो बनाने से पहले रिलीजियस मामलों में नियम है सर ये, इसलिए ये समझ लेना। मैंने आपसे इसी सवाल के जवाब में एक सवाल पूछ लिया कि आपकी बात का मैं जवाब दे देता हूं और आपको कुछ तथ्यों से अवगत कराऊंगा, तो क्या आप भारत से सारे मुसलमानों को लेकर के भारत छोड़ दोगे? तो आपने मेरे से पूछा कि अगर आपसे मैं कहूं तो क्या आप हिंदुओं को लेकर भारत छोड़ दोगे? अरे सर, सवाल आपने हितेश से पूछा है। हाँ, हितेश इस बात की गारंटी देता है कि अगर तथ्यों के आधार पर आपने मुझे गलत साबित कर दिया तो हितेश ये देश छोड़कर चला जाएगा हमेशा के लिए। आपने पूछा हितेश आपसे सवाल पूछ रहा हूं इसलिए जवाब हितेश दे रहा है आपको। मैं हितेश हूं, ट्विटर हैंडल @HitesRay1। अगर समय रहते मेरी बहस मीडिया में नहीं आई तो वो न्यूज चैनल जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खरीद के मुझे दे देगी, ये नियम है सर। यदि भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ने मुझे बहस में होते हुए इस देश से बाहर जाने के लिए का आदेश दिया तो उनकी पद और उनकी कुर्सी मुझे दे दी जाएगी, यह नियम है सर। अब सुनिए, मैं आपको कुछ तथ्यों से अवगत कराता हूं, बोलोगे तो पढ़ के सुना दूंगा। सऊदी अरब में डेवलपमेंट के नाम पे काबा और मदीना, मैका और मदी, काबा तो खैर वो एक ब्लैक कलर का जो क्यूब है, एम्प्टी क्यूब जो है वो हो गया, मैका हो गया वो शहर और मदीना हो गया उससे थोड़ी आगे जाकर के एक शहर है, अंदाजन पता नहीं 6 या 7 किलोमीटर कुछ है, ज्यादा नहीं है, नजदीकी है, पैदल आना जाना होता है। इन दोनों जगहों पे पैगंबर मोहम्मद साहब से संबंधित सारी महत्वपूर्ण बिल्डिंगों को धराशायी कर दिया गया। जी हाँ,
विकिपीडिया पे जो कहा गया है, जो लिखा गया है, इसका मतलब ये नहीं कि वो विकिपीडिया ने लिखा है, वो सिर्फ वहां पे एक इंफॉर्मेशन दी गई है, आप चाहें तो जाके पता करवा लें सऊदी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से या डिपार्टमेंट से। साफ लिखा है उस वेबसाइट पे कि द डिमोलिशन हैज फोकस्ड ऑन द मॉस्क बरियल साइट होम एंड हिस्टोरिकल लोकेशन एसोसिएटेड विद द इस्लामिक प्रॉफेट मोहम्मद एंड हिज कंपेनियन मेनी ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ अर्ली इस्लामिक हिस्ट्री बाय सऊदी गवर्नमेंट। प्री इस्लामिक मतलब अर्ली इस्लाम, इस्लाम से पहले के भी इतिहास को सऊदी गवर्नमेंट ने ध्वस्त कर दिया। सैयद, जी हां, सैयद साहब की सबसे बड़ी मस्जिद सऊदी में डायनामाइट से उड़ा दी गई डेवलपमेंट के नाम पे। कम से कम 25 के लगभग, आंकड़ा तो कुछ और है, ज्यादा ही है, सब ध्वस्त कर दिया गया। टाइम मैगजीन के एक आर्टिकल के अनुसार जो कि 2014 में छपा, सुन लीजिए ना, भारत के अंदर मुसलमानों की पैरवी कर रहे हैं आप, आपको यही नहीं पता आपके साथ हुआ क्या है। सऊदी में आप अपने पैगंबर साहब के तो इतिहास को बचा नहीं पाए, यहां आप ज्ञान व्यापी और क्या कहते हैं अयोध्या में जाकर के आप नमाज पढ़ने की बात करते हैं, यहां आप शरीयत की बात करते हैं। खुद सऊदी शरीयत पर चलने वाला देश है, सऊदी शरीयत पर चलता है, पाकिस्तान में शरीयत अदालत है, जी हां, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट शरीयत पे काम करती है। चौदह नवंबर 2014 को एक आर्टिकल आया बाय कार्ला पावर, ये आर्टिकल है, लेख है, एक स्टैब्लिश आर्टिकल है टाइम मैगजीन में। उसमें बताया गया है कि उस डिमोलिशन को लेके इस्लामिक वर्ल्ड में कितना ज्यादा अनरेस्ट था। कई बड़े अखबारों ने इसकी निंदा करी और यहां तक कहा कि सऊदी गवर्नमेंट ने यूनेस्को को नहीं माना और खुद इस्लाम के पहले खलीफा के घर को गिरा के वहां पे हिल्टन होटल बना दिया गया। इसी आर्टिकल में बताया गया है कि पैगंबर साहब की पत्नी, पहली पत्नी खदीजा जी के, घर को हटा करके पब्लिक टॉयलेट के लिए रास्ता बनाया गया, या खदीजा जी के घर पे ही पब्लिक टॉयलेट बना तोड़ के। क्या बात कर रहे हो आप मेरे से अतीकुर रहमान साहब। तब शरीयत कहां मर गई थी? तब शरीयत अदालत ने क्यों नहीं जवाब दिया सऊदी के सुल्तान को, सऊदी के किंग को? इस आर्टिकल का टाइटल सुनिए, सऊदी अरेबिया, जो टाइम मैगजीन में छपा है, कार्ला पावर का आर्टिकल है, 2014 नवंबर 2014 को बाय कार्ला पावर, सऊदी अरेबिया बुलडोज, सऊदी अरेबिया बुलडोजर्स ओवर इट्स हेरिटेज।
सऊदी अरेबिया ने अपने इतिहास पे ही बुलडोजर चला दिया। इतने तरीके से लिखा गया आर्टिकल है, शुरुआत कहां से हो रही है वो बताता हूं, आप चेक कर ले। टाइम मैगजीन का आर्टिकल है, वेबसाइट पे है टाइम मैगजीन की, सब कुछ बताया गया है इसमें। द सेंचुरी इज द काबा, द ब्लैक क्यूब इन द सेंटर ऑफ मैका सऊदी अरेबिया, दैट इज इस्लामिक होलियस्ट पॉइंट हैज बीन एरेक्टेड बाय आर्क पोर्टिकोज इरेक्टेड सम 3 centuries ago by the Ottomans। यहां से तो शुरू होता है, ओटोमन के समय के भी बनाए हुए इस्लाम के निशानों को मिटा दिया गया। आप क्या बात कर रहे हैं कि शरीयत नहीं चलेगी तो हिंदुत्व नहीं चलेगा? अब बताओ ना, शरीयत कौन सी शरीयत की बात कर रहे हो? शरीयत अदालत चलाने वाले पैगंबर साहब, जी हां, शरीयत अदालत का पहला जज पैगंबर मोहम्मद नहीं था तो कौन था? बताइए। इनमें जिन बातों का जिक्र किया गया है, साफ बताया गया है कि कुछ वर्षों से सऊदी अरेबिया में पूरी तरह से इस्लाम को ध्वस्त किया गया। आप क्या बात कर रहे हो आप हमसे? यहां पे आपका कहना यह है कि भारत के अंदर शरीयत नहीं होगी तो हिंदुत्व नहीं होगा? अरे भगा भगा के मारेंगे मुसलमान आपको। क्या कह दिया आपने कि सऊदी के मुसलमान और पाकिस्तान के मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है या वहां क्या हो रहा है, उससे भारत के मुसलमान को क्या लेना देना? आप तो कुरान की आयत को झूठा ठहरा रहे हो। वाह भाई वाह। क्या बात है यार। द हाउस ऑफ हमजा, द प्रॉफेट मोहम्मद अंकल वॉज फ्लैटेंड टू मेक वे फॉर मैका होटल। मैका होटल वही है ना, क्लॉक टावर। द हाउस ऑफ द प्रॉफेट्स फर्स्ट वाइफ खदीजा हैज मेड वे फॉर पब्लिक टॉयलेट। हिस्ट्री मदीना वर वेयर मोहम्मद वॉज लेड टू हैव बीन कैरिड आफ्टर बींग वुंडेड इन द फेमस बैटल ऑफ उहद वॉज फिल्ड विद कॉन्क्रीट। जहां पैगंबर साहब को लिटाया गया घायल होने के बाद, उस जगह को कॉन्क्रीट से भर दिया गया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, टाइम मैगजीन का आर्टिकल है। क्यों सर? अतीकुर रहमान साहब, अब ये बताओ भारत कब खाली कर रहे हो?
जब आपके पैगंबर साहब की मस्जिद ही तोड़ दी गई, खदीजा साहब के घर तोड़ करके वहां पब्लिक टॉयलेट बना दिया गया, अब क्या इज्जत बची आप लोगों की? अब कौन सा मुस्लिम और कौन सा इस्लाम आ गया? क्या इज्जत बची आपकी? हमजा साहब का घर तोड़ दिया, सैयद इमाम उरैदी साहब के घर को डायनामाइट से उड़ा दिया, उनकी मस्जिद को, उनके टॉम्ब को, बचा क्या? कुछ तो हिंट दोगे आप? अरे साहब, पैगंबर साहब की पहली पत्नी खदीजा का घर तोड़ के उस पर पब्लिक टॉयलेट बनाया गया है सऊदी में, क्या जवाब दोगे? अब कौन सी शरीयत अदालत बची? एक महिला का, ऐतिहासिक महिला इस्लाम के अंदर, मोहम्मद साहब की पहली पत्नी, जिससे बाद में उनको 6 बेटियां हुई, इतिहास में, मुसलमानों के इतिहास में उनकी ही जगह नहीं है? आप यहां बहस करने आए हो मीडिया में? ऊपर से आप पहले ये कह रहे थे कि ये जो विकिपीडिया का आर्टिकल लेकर के जो ये लड़का बोल रहा है या जो कुछ भी आपने शब्द इस्तेमाल किए, हम क्यों माने विकिपीडिया को सच? अरे भाई साहब, वो सिर्फ एक इंफॉर्मेशन पोर्टल है, वहाँ सच्चाई बयान की गई है। ये तो अब टाइम मैगजीन में छप गया, अखबार में, अखबार है ये तो, न्यूज़ है। टाइम मैगजीन से बड़ी पत्रिका तो विश्व में नहीं मानी जाती कोई भी। सऊदी गैजेट में ढूंढ दूं, खुद पाकिस्तान में शायद इसी मामले को लेके एक केस बड़ी दबी आवाज में चलाया जा रहा है। पैगंबर साहब की मस्जिद का नाम शायद दिरार कुछ करके था, या दरियार कुछ ऐसे, दिरार ऐसे कुछ था ना, उसी का केस चल रहा है शायद पाकिस्तान में। अरे अब आप हिंदुओं की बात कहां कर रहे हो? आप कह रहे हो हिंदुओं के इतिहास की बात मत करना, पहले आप मुझे इस बात का जवाब दो ना। आप हो कौन? मुसलमान तो आप बचे नहीं, पैगंबर साहब का घर तोड़ दिया, मस्जिद तोड़ दी, उनकी बरियल साइट खत्म कर दी जहां उनको दफन किया गया, उनके उनके हाँ उनके नाते रिश्तेदारों के ऐतिहासिक नामों निशान को मिटा दिया गया, तो आप हिंदुओं से बहस किस मूड में कर रहे हो? आप फिर मस्जिद में क्यों जाओगे? वो मंदिर है, मस्जिद आपको क्या लेना देना? कौन हो आप ये तो बताओगे ना? अब आप ये कहोगे जी पैगंबर साहब की मस्जिद तोड़ दी जाए और सऊदी को, जिसको आप अपना जो है क्या कहते हैं सबसे बड़ा
सर्वे सर्वा मानते हो, जब उसने ही पैगंबर साहब को नहीं समझा और साहब कहा गया है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद बिन रसूल अल्लाह, साफ कहा गया है कलमा में कि मोहम्मद साहब के बताए रास्ते पे ही अल्लाह को पा सकते हैं आप। यदि बीच में एक कड़ी मोहम्मद साहब को हटा दिया जाए तो अल्लाह तक नहीं पहुंचोगे आप। जवाब दो, किस अधिकार से आप हिंदुओं के बारे में पूछोगे? अब इस प्रकार से जो कल को आप कहोगे कुरान की भी क्या जरूरत है? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए सिर्फ ये टेक्स्ट है, मेरे को इनके अंदर कोई भी आध्यात्मिकता, आध्यात्म, कोई पावर कुछ नजर नहीं आता। ये सिर्फ और सिर्फ, मैं साफ बोलता हूं, ये सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने का एक मेथड है। कुरान हो चाहे पैगंबर साहब का नाम हो चाहे अल्लाह हो और कुछ नहीं है साहब, यही तो साबित किया सऊदी ने और किया क्या। आलिशान होटल महल वहां बना करके काबा को बर्बाद कर दिया गया, तो मैं इसको एक सिर्फ व्यापार ना जानू तो क्या जानू? और जब यही नहीं बचा तो आप किस अधिकार से पूछ रहे हो आप मेरे से कि भाई हिंदुओं की बात मत पूछना? क्यों पूछोगे आप? जो धर्म का मामला है आप कोई नहीं होते पूछने वाले। पहले आप इस बात का जवाब दो, आप सिर्फ ये कह के दिखा दो मेरे को कि तोड़ दी तो क्या हुआ। आपने फोटोग्राफ्स देखे हा? कितना ऐतिहासिक, इतिहास खत्म कर दिया। आपको जान के हैरानी होगी, जो मुझे मालूम है जिस गार में जाके पैगंबर साहब को पहली बार जिब्राइल ने अल्लाह के मार्ग पर चलने के लिए कहा था ना, वो गार तक शायद उड़ा दी गई है धमाके से, शायद। जी हाँ, क्योंकि उसी पहाड़ से एक रास्ता बनाया गया है। मैंने श्राइन बोर्ड वालों को इतना पिटवाया था ना, मैं वो आदमी हूं, जब मैंने वहां आसपास के इतिहास से छेड़छाड़ देखी, इतना मारा था ना हमने, अगर दोबारा छेड़छाड़ करी ना यहाँ के इतिहास से खाल खिंचवा लूंगा एक एक की डेवलपमेंट के नाम पे। दर्शन के लिए चाहे 10 वर्ष लग जाए, खड़े हो तो खड़े रहो, जब नंबर आएगा तब कर लेना। घर से श्राइन बोर्ड पता है ना, माता वैष्णो देवी, लाइन में खड़ा हो जा। मैं जब जाता हूँ ना वहां पे तो अपना तकिया बिस्तर लेके साइड में पड़ जाता हूँ आराम से, 2 दिन बाद नंबर आएगा पढ़े आराम से, कोई चिंता नहीं है। मेरे वाइफ और बच्चे भी गए ना, तो भी उनको भी यही पता है कि अब पापा जाएंगे उधर श्राइन बोर्ड में, वहां पे आदकुमारी पे देखेंगे कितना नंबर चल रहा है, अपने कंबल और तकिए लगाने, एक कोना पकड़ना है, साइड में जाकर आराम से पैसर जाना है। चलने दे नंबर, बीच बीच में उठ के देखते रहते हैं 6-8 घंटे में क्या नंबर चल रहा है, उसके बाद जाते हैं दर्शन करने, कोई जल्दबाजी नहीं। अब बताओ अतीकुर रहमान साहब
जाइए अतुल रहमान साहब, मारेंगे बहुत आज मुसलमान आपको। वैसे ही बेचारों के साथ जो कुछ हो गया ना, और जो मैंने बता दिया, और आप जैसे लोग मीडिया में आ करके जो जवाब नहीं दे रहे हो ना, मुझे देखना ना यार, आपको बाहर तक छोड़ के आएंगे। पैरोकार बनते हो मीडिया में आकर, मुसलमान कहते हैं जवाब दे भाई देश को, ना नहीं देना ना, जा फिर खुद छोड़ के आएंगे आपको, देखो तो सही रेगिस्तान में। बहुत बहुत धन्यवाद।